आपका स्वागत है फिट रहेगा इंडिया में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे योग आसनों के जरिए आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। ना सिर्फ आपकी बॉडी रिलैक्स महसूस करेगी बल्कि मानसिक शांति भी आप प्राप्त कर सकते हैं योग आसन के जरिए। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं स्टूडियो में, योग गुरु सुनील सिंह, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी है योग के साथ और कैसे आप अच्छे तरीके से योग कर सकते हैं और इन तमाम ऊर्जाओं को जो कि आपके शरीर के अंदर ही होती हैं इन्हें संतुलित करना बहुत जरूरी होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके आपको उचित लाभ भी मिलते हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम बातों पर हम नजर डालें उससे पहले सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सुनील जी कि योग जो है जो कि अब आश्रमों तक सीमित नहीं रह गया है, ऋषि मुनियों तक नहीं रह गया है, बल्कि अब आम दिनचर्या में भी लोग इसे शामिल करने लगे हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों की कि कहाँ से शुरुआत की जाए। देखिए, हालांकि योग सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रामीण अंचल से शहरों में भी आ गया है, हर व्यक्ति आज योग में हो गया है। देखिए, योग में जो भी बिना इंस्ट्रक्टर या बिना योग गुरु के अगर अभ्यास करना चाहता है तो उसको योग के सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, सटल क्रिया यानी ऐसी क्रियाएँ होती हैं जैसे नेत्र ज्योति की क्रियाएँ होती हैं, हमें आइज को ब्लिंक करना चाहिए तो आँखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, रोटेशन क्लॉकवाइज आइज के लिए करना चाहिए। कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो फेस के लिए की जाती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो गर्दन के लिए की जाती हैं। तो ये ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, अगर आप इनको बिना योग गुरु के सानिध्य में भी अगर इनका अभ्यास करती हैं तो इनसे आपको क्या लाभ होगा कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। पहली बात तो ये, जब आपको लगता है आप धीरे धीरे अभ्यस्त हो गई हैं, योग करना जानती हैं, तो आपको योग के वैसे आसन करने हैं जो सरल और सुगम हो, जिनको आप आसानी पूर्वक कर सकें। अगर आपको लगता है कि हमको योग की विद्या थोड़ा सा विधिवत सीखनी है तो आपको योग गुरु के सानिध्य में इसका अभ्यास करना चाहिए। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमने तमाम उपाय बताए, तमाम योग बताए हैं, ताड़ासन की बात की जाए, शव आसन की बात की जाए या फिर अनुलोम विलोम की बात की जाए, तो इन आसनों का कितना महत्व होता है और स्ट्रेस दूर करने में कितनी अहम भूमिका होती है इनकी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैंने अभी प्रोग्राम देख रहा था, तो देखिए ताड़ासन का प्रत्यक्ष रूप से स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने में कोई मतलब रोल नहीं होता है, और अनुलोम विलोम का जरूर होता है। उसके अलावा आपने मत्स्य आसन बताया, उसमें क्या होता है जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो हमारे ब्रेन की ओर आ जाता है, तो जिससे क्या होता है हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। पहली बात तो ये होती है। दूसरा, स्ट्रेस की जो मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूँ बहुत सरल और सुगम है, इसको आप ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ कर, कहीं भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जो लोग भी डी स्ट्रेस होना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, बड़ी सरल सी विधि है, उनको क्या करना चाहिए, ताली योग का अभ्यास करना चाहिए। ताली योग कैसे करना चाहिए, देखिए ताली योग के मैं बताऊंगा कैसे अभ्यास करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, रोज 1 से लेकर 5 मिनट तक निरंतर ताली योग का अभ्यास करना चाहिए, और ताली देखिए कैसे बजाना चाहिए, इस विधि से आपको ताली योग का अभ्यास करना चाहिए। ताली योग के अभ्यास से क्या होता है, जो हमारे शरीर में जितने जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इनको प्रेस करती हैं तो उससे क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से उनको वो एक्टिवेट होते हैं जिससे आप डी स्ट्रेस होते हैं। पूरे विश्व में आप बताइएगा, कहीं पर भी आप देखेंगे जो किन्नर लोग होते हैं वो कभी भी हृदय रोग, हार्ट की प्रॉब्लम से नहीं मरते, मतलब उनको हृदय रोग नहीं होता या हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो रोज नित्य प्रतिदिन ताली योग का अभ्यास करते हैं। एक तो ये होता है, इससे क्या होता है डी स्ट्रेस होता है। उसके अलावा क्या होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, सारे ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं इस क्रिया से, और बड़ी सरल होती है, इसको 8 साल से लेकर 80 साल का व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है और डी स्ट्रेस हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ये स्ट्रेस को कैसे दूर भगाएं इसके तमाम उपाय बताएं, और हमारे मेहमान भी आपको बता रहे हैं कि कैसे आसानी से आप कहीं पर भी बैठे बैठे इस आसन को कर सकते हैं और स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं।